माँ समलेश्वरी पीठ से आरंभ हो षोह पूजा बा षोड़श उपचार रे पूजा रीतिनीति पूजा मूलाष्टमी ठार आरंभ हो महाअष्टमी पर्यंत चली था एवं यह एक स्वतंत्र रीतिनीति माँ को पूजा अर्चना करा जाए था। मुख्यतः देवी मान पीठ से यह षोड़श पूजा अनुष्ठित होता है किभली रही था यार पूजा रीतिनीति एवं कौन तार परंपरा रही बाबद आसतु आम सहित रही मंदिर पूजक जड़े भक्त एवं जड़े पंडित प्रतिक्रिया ग्रहण करवा देख पहला तो ये सुल पूजा जिन आम करम आरम नहीं राजा बलराम देव मंदिर जब बनाले देवी को आदेश पाई उपासा से कर पूजा जिन कर पहला देख जेन भाव राजा करूले आम तो से पारू जेहेतु से बहुत नियम निष्ठा था नियम निष्ठा करूचु हेले से कौन करते बेलमिन जगानु बेलमिन गोत्र नैष्टिक ब्राह्मण मान से आनीक पूजा काम लगे राज काम लगे जगह दूसरे रहबार लगी तो मन कर आज उपवास आरंभ है तो आज उपवास जेनटा आम चंद घुटीचु चंद जाए कहसु से आगो से नैष्टिक ब्राह्मण के दूसरे तार राति 9 बजे से भोग के राजा खाई से उपवासा सारूले तो याद से नैष्टिक ब्राह्मण के खुजमु आजा तो याद जबकि भक्त होने को पहला मुझे एक उपवास रोचे तो से कौन करसी मुझे पहला भक्त मान को देसी तपुर रात 9 बजे से खाई मोर उपवासा सारसी इटा आजा मलाष्टमी नहीं महाष्टमी तक शुभ पूजा आसी इटा मलाष्टमी नहीं आरंभ हो जेनटा कि इटा आम द्वितीयान पूजा भी कहसी पूजा करसन जे मान पूजा करसन आईटा आम राजस्वी हिसाब से पूजा कर मानकू जेहेतु पूजा बोली क्या करी अष्टमी दिन माँ मैंने दुख पुल चलासन देवी को तार जेन पुह मान जेन दुख छे आईटा दृह कामना करार लगी जशस्वी होबार लगी दुख छियासन ताकूर राजस्वी हिसाब से पूजा होटा षोल ज्योतिर्पू ना पूजा आसी आम कि बेसर पूजा ना आजा से षोल ज्योतिर्प ना कौचे दुर्गा नारायणी ईशानी विष्णुमाया शिवा सती नित्या सत्या भगवती सर्वाणी सर्वमंगला अंबिका वैष्णवी गौरी पार्वती सरस्वती षोल ज्योतिर्प ना दिन को गोटे ज्योतिर्पना पूजा आसी आ दिन 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 भेल दिन आसी आजा देख आम पूजा रहे डेली जमी आम सारी मंदिर खुल पानी मंगल आरती करूँ से सरी आसी ये पूजा आज करूचे ये आम सन्या 8 बजे आरती आसी हे टाइम करसु आजा आज जी आज उपाय रहा बहुत नीति कांति रहा कि टिकेट भी आशा रहा आजा से सांग सांग मानने रिजल्ट पाई आसी कैसे खेलिया जाणिया सोर रंग रख सोर रंग आजा बहुत निष्ठा रहा पड़सी षोह पूजा बहुत बढ़िया प्रश्न षोह पूजा कहले साधारणतः लोक मैंने आम जो मानने शारदीय मानने दुर्गोत्सव विधान अच्छे ही नहीं था षोह पूजा तो षोह पूजा मानने ये आपंकर मूलाष्टमी ठार अर्थात आश्विन कृष्ण अष्टमी ठार आश्विन शुक्ल अष्टमी पर्यंत जो षोह दिन पूजा हुए कहीं राजाष्टमी भाद्रव शुक्ल अष्टमी दिन माँ दुर्गा शयन अवस्था था आश्विन कृष्ण अष्टमी दिन से निद्रा उठती कहा जाए दिव्युत्थापन दिवस जहाँकि मूलाष्टमी पौजिंता पश्चिम ओडिशा कहती से दिन माँ को उत्थापन हुए से दिन आम अंचल आप देखिए गाँव में गहली सहर में मध्य खंडा दुआ गोटे पर्व हुए अनेक शक्तिपीठ जो जो जगह माँ को पीठ अच्छी से जगह आप देखिए षोह पूजा जहाँ आप षोह पूजा कहते आरंभ होता है ये निशारधरे आरंभ हुए खंडा दुआ पर्व तापर षोड़श पूजा हुए षोड़श पूजा माने जो कथा कहले आप षोड़श पूजा षोड़श दिवस पूजा षोड़श रात षोड़श दिवस आगे बहुत बहुत लोग कहते षोह उपचार पूजा बोली कहते कि षोड़श दिवस पूजा ये एथे समस्त गोटे मानने पद्धति रही कि विशेषकर शारदीय जहाँ दुर्गोत्सव चंद्रिका पद्धति ताकू अनुसरण करती यही पूजा को आप प्रश्न था षोड़श दिवस पूजा मुझे कहूँ आपको षोह दिन में विभिन्न प्रकार बेश विभिन्न प्रकार पूजार व्यवस्था रही अच्छी जहाँकि अनेक जगह दक्षिणाचार कौटी वैदिक रीति हुए कौटी दामाचार मध्य हुए विशेषकर जहाँ आश्विन शुक्ल अष्टमी संधि पूजा था दिन जोटा अष्टमी जाऊ नवमी अष्टम संधि पूजा भी कहतु तथापि संधि पूजा समय अनेक जगह आप संधि पूजा नई निशारधरे अर्धरात्र पूजा बोली गोटे पूजा था
ଯାହାକି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଥିରେ ବାମାଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ଅନେକ ପୂଜା ହୁଏ। ମୁଁ ବଳିର ବିରତ ଲୋକ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କି ଆପଣ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ, ଇକ୍ଷୁ, ଅଦ୍ରକ ଇତ୍ୟାଦି ନାରିକଳ ବଳି ଦିଆଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ବି ବଳି ଦେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କରେ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଳଶରାତ୍ର ପୂଜା, ଆଉ ଏହା ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ, ଏବଂ ନବମୀକୁ ବି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ବରୁଆ ଯାତ୍ରା କହନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଦଶହରା ଦିନ ପ୍ରାୟ ବଳି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଗୋଟେ ଶରୀର ଜଣଙ୍କର ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକିରି ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ଏହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏହାକୁ ଷୋଡ଼ଶରାତ୍ର ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୂଜା ସମାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଥର୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଟ୍। ବଟ୍ ମୁଁ ଦୁଇଥର ୟା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ମତେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଟେମ୍ପଲ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଷୋହଳ ଦିନର ପୂଜା ଚାଲେ ସବୁ ହି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଆଉ ଏଇଟା ରାତିରେ ହୁଏ ଏ ପୂଜା, ଆଉ ବହୁତ ହି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାର। କମ୍ପେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଦେବୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଦେବୀ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଡାକନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ, ଜି ମିଡିଆ।